घोस्ट मेल एपिसोड 7 दक्षिण एक्स औद्योगिक भवन का भूतिया एक व्यक्तिगत मुठभेड़। नमस्ते एक्सो एक्सो, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूँगा। सुनने के बाद मैं आपको निर्णय लेने दूंगा कि यह डरावना है या नहीं। हांगकांग के क्वाई चुंग के मध्य में रहस्यमय साउथ एक्स औद्योगिक इमारत स्थित है, जो रहस्य और अलौकिक फुसफुसाहट में डूबी हुई है। एक जिज्ञासु रात्रि पाली कर्मी के रूप में मैं खुद को मंद रोशनी वाले गलियारों में अकेला पाता हूँ। मेरे कदमों की आवाज ठंडे कंक्रीट के फर्श पर गूंजती रहती है। एक मनहूस रात जब मैं चरमराती सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, एक बेचैन करने वाली भावना मुझ पर हावी हो गई। हवा अदृश्य उपस्थिति से भारी हो जाती है और मैं लगभग धीमी फुसफुसाहट और मेरे पीछे चल रहे भूतिया कदमों की आवाज सुन सकता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और पाता हूँ कि खालीपन मेरी ओर घूर रहा है। लंबे समय से थके हुए मैंने एक पल के लिए आराम करने का फैसला किया। गहरी नींद में डूबते हुए मेरे सपनों में औद्योगिक भवन की छाया में छिपी छायादार आकृतियां और भूतिया दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे ही मैं उठकर अपना काम फिर से शुरू करने वाला होता हूँ, एक तेज तमाचा मुझे झकझोर कर वापस होश में ला देता है। मैं घबराने लगता हूँ क्योंकि मैं गड़बड़ी का स्रोत ढूंढता हूँ, लेकिन कोई नजर नहीं आता। मुझे यह भयानक एहसास हो रहा था कि साउथ एक्स इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की दीवारों के भीतर कोई और दुनिया चल रही है। क्या यह बदला लेने की इच्छुक एक प्रतिशोधी भावना है या अधर में फंसी एक खोई हुई आत्मा है? जैसे जैसे हर रात गुजरती है, अदृश्य शक्तियों के साथ मुठभेड़ अधिक बार और तीव्र होती जाती है। फुसफुसाहट खतरनाक हंसी में बदल जाती है और भूतिया स्पर्श मेरी रीढ़ में सहरन पैदा कर देता है। मैं अज्ञात के साथ एक भयानक नृत्य में फंस गया हूँ। यह एक दशक पहले की बात है और मैं अभी भी साउथ एक्स इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के भीतर क्या छिपा है उसके रहस्य को जानने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। नमस्ते, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी या मनोरंजक लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। सुनकर खुशी होगी और अगले एपिसोड में मिलते हैं।